फाइनली ट्रैक्टर शोरूम से निकल चुका है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम आए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में, भाई का कुछ नया ट्रैक्टर लेना था तो वहाँ भी आए हैं भाई लोग। वो अंदर बैठे हैं, हम भी जा रहे हैं अंदर। भाई का पहले एक ट्रैक्टर था, वो उन्होंने बेच दिया तो वो नया लेने की सोच रहे थे, तो अभी उसका कोई फाइल बनवानी थी तो उनके ऑफिस आ चुके हैं। यहाँ पर बनाएंगे फाइल, फिर जाएंगे ट्रैक्टर के शोरूम, वहाँ से बढ़िया सा ट्रैक्टर लेंगे, फिर जाएंगे। लगभग उन्होंने बोला तो है आज देने को, अगर नहीं मिलता है तो कल ले लेंगे, मगर चांसेस है आज ज़्यादा, आज मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जाते हैं फाइल तैयार करवाते हैं। गाइस फाइनली शोरूम पहुंच चुके हैं, ये रहा शोरूम और ये खड़े हैं ट्रैक्टर। अब इनमें से ट्रैक्टर को पसंद किया जा रहा है। अभी टाइम हुआ है लगभग शाम के 6 बजे। सुबह आए तो जल्दी थे मगर इंटरनेट इश्यू के कारण वो इंटरनेट नहीं चल पा रहा था तो लेट हो गए थे। तो अभी शाम के 6 बजे पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब ट्रैक्टर को पसंद किया जा रहा है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा भाई पसंद करते हैं। अब वो पसंद कर रहे हैं, खूब सारे ट्रैक्टर हैं, साथ में टायर भी देख रहे हैं, जो बढ़िया कंपनी का होगा वही लेंगे। ये MRF कंपनी के हैं, जो भाई खड़े हैं वो गुडियर कंपनी के हैं, तो भाई का मन इस गर ट्रैक्टर पर है तो यही लेंगे इंशाल्लाह। ये जो भी प्रोसेस है कागज़ का वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो गाइस ये है शोरूम के साइड का व्यू, हम जा रहे हैं ट्रैक्टर के पास। ट्रैक्टर अभी, ये रहा ट्रैक्टर जो हमने पसंद किया था, इसको वॉश कर दिया है। ट्रैक्टर वॉश हो चुका है, अब इसको थोड़ा सूखने के लिए रख रहे हैं और थोड़े जो इसके स्क्रू थे वो टाइट किए जा रहे हैं और ऑयल पानी सब चेक कर रहे हैं, फिर इसको ले जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ खूब खड़े हैं ट्रैक्टर, ये पूरा महिंद्रा का शोरूम है, महिंद्रा के जो कैंपर है, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो 11 और ये हमारा वाला ट्रैक्टर, उनका जो भी ये प्रोसेस है वो कर रहे हैं। ट्रैक्टर पूरी तरह से तैयार है, इसके सब ऑयल पानी वो सब चेक कर दिए हैं, स्क्रू सब टाइट कर दिए हैं, अब बस थोड़ा सूख जाए। इतनी देर है अभी तक ये पानी लगा पड़ा है, 5-10 मिनट में सूख जाए फिर इसको बाहर निकालेंगे और फिर ले जाएंगे। काफ़ी दिनों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ, भाई लोग ये इंतज़ार कर रहे थे तो आज इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज इंशाल्लाह घर पर ले जाएंगे। ये है पीछे का व्यू शोरूम का, फाइनली ट्रैक्टर को वॉश कर लिया है और ये रहा सामने आपको ट्रैक्टर। अब बस इसको ले जाने की देर है, भाई कुछ अंदर काम था तो वो अंदर गए हैं, फिर भाई आते हैं तो फिर यहाँ से जाते हैं। फाइनली ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा रहा है, भाई फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर के सीट पर बैठे हैं। इसकी हो पहले पुराने वाले भी खूब बैठे थे, इसमें फर्स्ट टाइम बैठे हैं, तो बस अब इसको बाहर निकाले हैं शोरूम के गेट से। फाइनली ट्रैक्टर शोरूम से निकल चुका है, ट्रैक्टर को लेके यहाँ पर, यहाँ पे करेंगे कुछ ट्रैक्टर की एसेसरीज। यहाँ ट्रैक्टर की एसेसरीज के लिए यहाँ ट्रैक्टर को ले आए हैं। एसेसरी काम पूरा हो चुका है,
न्यू बैठने के लिए थी सीट वो लगा दी है, और थोड़ा कुछ और काम था वो भी करवा दिया है। अब बस रवाना हो रहे हैं यहाँ से। भाई लोग वो मिठाई लेने गए हैं, हम यहाँ से रवाना होंगे, वो पीछे पीछे आ जाएंगे। तो गाइस अब आए हैं पेट्रोल पंप पर। ट्रैक्टर में थोड़ा डीजल कम था तो अभी यहाँ से डीजल भरवाएंगे। फुल टंकी करवा रहे हैं तो डीजल भरा जा रहा है। भाई लोग ये पीछे गाड़ी में भी डीजल भरवाना था। तो डीजल भरा जा रहा है। तो ट्रैक्टर के अंदर पूरी टंकी 4000 में फुल हुई है। 41 लीटर की टंकी थी। तो अब डीजल सिर्फ गाड़ी में भरवाना है। हम रवाना हो रहे हैं, भाई लोगों पीछे आ जाएंगे। तो गाइस कल रात को 12 बजे के आसपास घर पर पहुंचे थे। फिर पूरे दिन की थकान थी तो सो गए थे। अभी उठे हैं तो ये रहा कल रात को जो शोरूम से ट्रैक्टर ले आए थे वो। ये रही भाई की गाड़ी, ये रही बाइक। आज थोड़ा काम है, जाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।